गुड मॉर्निंग। कल का टूल बॉक्स स्टॉक से हल्का फ़र्क है आज का टूल बॉक्स स्टॉक। वो शुरू करना समय भी मैं हल्का फ़र्क दिखाया। कल मैं नमस्कार बोल के शुरू किया है तो आज मैं गुड मॉर्निंग बोला है। मुझको लगता है कि सबसे अच्छा गुड मॉर्निंग बोलना है। वो अंग्रेज़ी है इसके लिए वो बोलता है करके मत सोचिए। हिंदी में बोलना है तो भी नमस्कार से अच्छा होगा, नहीं तो नमस्ते से अच्छा होगा सुप्रभात बोलना। सवेरे हम लोग टूलबॉक्स स्टॉक करता है हर जगह में। 90% जगह में टूलबॉक्स स्टॉक सुबह करता है। काम सुबह शुरू होता है तो टूलबॉक्स स्टॉक भी सुबह होना चाहिए। कई जगह पर शिफ्ट सिस्टम होगा, ऐसा है तो वो शिफ्ट दोपहर के बाद 2 बजे शुरू होता है तो उसी टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो नाइट शिफ्ट है तो रात को होता है तो उसी टाइम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बहुत जगह पर काम सुबह होता है, दिन में होता है। सेफ्टी का प्रश्न की वजह से भी बहुत जगह पर रात को काम करना मना करके दिन में किया है। इसके लिए 90% से ज़्यादा काम दिन का समय प्रकाश जब है उसी समय होता है, सूरज जब भी है उसी समय होता है। इसके लिए सुप्रभात सही होगा, गुड मॉर्निंग सही होगा। नमस्ते बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं। नमस्ते गुड मॉर्निंग बोल के समय अभी सत्यनाश करना सही नहीं है करके मुझको लगता है, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, सुरक्षा के बारे में होना चाहिए। कई टोल बॉक्स स्टॉप में मैंने सुना है कि सुरक्षा से बोलने से ज़्यादा प्रोडक्शन से बोलना मैंने सुना हूँ, वो भी एक गलत है। टूलबॉक्स स्टॉक बोलेगा तो खाली सुरक्षा के बोलने के लिए एक टॉक है, भाषण है। आज जो काम होता है वो काम हल्का है तो भी उसको बताना। दूसरा, उसी काम करना समय जो जो खतरनाक आएगा उसके बारे में बोलने। पहले हम लोग दूसरा जगह पर किया हुआ अनुभव की वजह से भी हमको मालूम पड़ेगा जो इतना तो खतरनाक ये ऑपरेशन, ये क्रिया, ये काम करने से होता है करके। दूसरा वही बोलने के, तीसरा बोलने का है कि ये खतरनाक बिल्कुल नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए। हमेशा एक खतरनाक होने के बाद बहुत इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, एक कमीशन हो जाएगा, खतरनाक क्यों हो गया, ये खतरनाक ये ऐसे फिर भी नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए करके सब लोग बोलेगा। लेकिन एक टूलबॉक्स स्टॉक में खतरनाक होने के बाद नहीं है, खतरनाक होने के पहले जान के बोलना चाहिए ये खतरनाक इसी ऑपरेशन से होगा, उसी ऑपरेशन से वो खतरनाक हो जाएगा, ऐसे बोल के उसके समझ में फिर भी याद दिलाना ज़रूरत है। जो कल सुना वो ये आज भी सुनता है। आज जो सुनता है सुरक्षा के बारे में उससे ज़्यादा फर्क नहीं है कल का टूलबॉक्स स्टॉक में, फिर क्यों याद दिलाता है। आजकल
होने वाला खतरनाक, आप लोग सोचिए, जिसने खतरनाक हुआ वो फ्रेश वाला आदमी है क्या? जब मैं अबुधाबी में था उसी समय उधर हुआ एक खतरनाक मैं अभी भी याद रखता हूँ। लोड लेके आने वाला एक गाड़ी है, हेवी व्हीकल है, उसमें लोड बाहर डालने के लिए एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। उसके बाद लोड नीचे उतारने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके गाड़ी चला के जाएगा। ऑटोमेटिकली कर सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से कर सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से लोड ऊपर उठता है, ऊपर उठना वजन से, इंक्लाइंड पोजीशन में उठना वजन से ऑटोमेटिकली लोड नीचे गिरता है। इसी गाड़ी में हुआ खतरनाक उस गाड़ी का ऑपरेटर को हुआ है। वो ऑपरेटर को बहुत साल का एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी में 15 साल का भी एक्सपीरियंस। बहुत साल के एक्सपीरियंस का अंदर इसी गाड़ी में, इसी ऑपरेशन में 15 साल का ऑपरेशन है। लेकिन उसको उस दिन खतरनाक हुआ, दरवाजा बंद होकर, एकदम जोर से बंद होकर दोनों को बीच कर टकरा के ये आदमी मर गया। ये आदमी भी एक सुबह का टूलबॉक्स टॉक सुन के काम शुरू किया हुआ आदमी है। आप लोग जैसे काम आज शुरू करने के लिए ये भाषण सुनता है, ऐसे सुन के खुशी से, शांति से काम शुरू किया आदमी है। उसको भी उसके देश में, मुल्क में उसका परिवार लोग है, बच्चा लोग है, बीबी है, कमाने के लिए भी वो भी आया। कमा के वो धन उधर भेजने के लिए, वो धन से परिवार के साथ खुशी से, शांति से जीने के लिए काम शुरू किया। लेकिन आप लोग जैसे आया वैसे शाम को भी बाहर जाके, रूम में जाके नहा के खुशी से, शांति से फ़ोन करके एक दिन मना के रात को सो के फिर भी एक दिन के सुबह उठने के लिए सोता है। तो ये जैसे आया वैसे वो इधर से बाहर गया नहीं, आया हुआ चल के कैसे बाहर गया है। इधर से जाना समय उसको चल के नहीं जा सका, उसे उठा के मरा हो उसका शरीर लेके जाना पड़ा। खतरनाक किधर से आता है, किधर को जाता है, किसी को भी मालूम नहीं है। वायु का जैसे है, हवा का जैसे है, हवा किधर से आता है, किधर को जाता है, किसी को भी मालूम नहीं है। वैसे ही खतरनाक भी किधर से आया करके जिसको खतरनाक हुआ उससे पूछेगा तो उसको अभी मालूम नहीं होगा। शायद वो मरा हुआ आदमी होगा, उससे पूछने से कुछ ना कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं मरा, आधा मरा ऐसा वाला आदमी है तो भी उससे पूछेगा तो उसको बिल्कुल नहीं बोल सकेगा। वो बोलेगा एक सेकंड के पहले तक मैं ग्राइंडर से कटिंग करता था, नहीं तो एक सेकंड के पहले समय तक मैं ऊपर था, लेकिन कैसे नीचे गिरा, नहीं तो कैसे ग्राइंडर का कटिंग व्हील टूट गया, कैसे इतना तो बड़ा खतरनाक हुआ मुझको माल नहीं है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। सांप बहुत बुद्धि वाला है करके कई आदमी लोग बोलता है, उसे आगे से बिल्कुल नहीं पकड़ सकेगा, हल्का डिग्री से 90 डिग्री
राइट साइड से नहीं तो 90 डिग्री लेफ्ट साइड से उसे पकड़ने के लिए कोशिश करेगा तो भी उसे नहीं पकड़ सकेगा, पीछे से पकड़ने के लिए आएगा तो भी उसको पीछे आंख नहीं है तो भी जल्दी हो पीछे को उसका सिर मोड़ेगा, अपना हाथ उधर से नहीं निकालेगा तो हमको उससे मार मिलेगा, हाथ में काटेगा। उतना तो ध्यान से वो जी रहा है, उसे पकड़ने वाला दूसरे रास्ता से उसके लिए पकड़ता है, वो बताने का समय नहीं है। उसे पकड़ने के लिए दूसरे कुछ भी आगे दिखा के उसका ध्यान उसका ऊपर रख के पीछे से उसका गला में पकड़ता है। एक सांप को खतरनाक होना है तो उसके ध्यान उससे निकाल के दूसरा जगह पर डालना पड़ेगा, उसे पीछे से पकड़ना है तो भी उसका आगे कुछ भी दिखा के झूलना पड़ता है, जो चीज़ झूलता है उधर ही देखते ही रहेगा। 180 डिग्री में ऐसे झूलता है तो वो भी 180 डिग्री में देखेगा, ऐसे झूलने समय उसका ध्यान पूरा वो रिंग वाला नहीं तो हाथ वाला नहीं तो हाथ जो झूलता है उसमें देखते ही रहेगा, तब पीछे से पकड़ सकता है। ध्यान दूसरा किधर भी उससे निकल जाएगा तब पकड़ा जाता है। अपना जिंदगी में भी खतरनाक तब होता है, आगे देखते ही रहेगा, झूलने वाला चीज देखते ही रहेगा, सपन देखते ही रहेगा। एक महीने के बाद नहीं तो एक साल के बाद गांव जाके गांव में जैसे मनाएगा वो सोचते ही रहेगा। सोचना सपन देखना जिंदगी काम में अच्छा नहीं है, ऐसे सपन देखते ही रहेगा तो झूलते ही रहेगा तो पीछे से कौन गला में पकड़ेगा मालूम नहीं है। वो उसको बोलता है पीछे से गला में पकड़ने को बोलता है खतरनाक। वो खतरनाक आज का दिन नहीं है, कभी भी आप लोगों को ना होना दीजिए। इसके लिए आपका आगे है आपका आंग है तो भी पीछे भी दो आंग होना चाहिए। पीछे का आंग को दिमाग बोलता है, ध्यान रखना बोलता है, बुद्धि बोलता है। हमेशा हर ऑपरेशन होता है वो तो आपका मन के अंदर अंडरलाइन करके आगे जाना चाहिए। अंडरलाइन करता है तो जो ऑपरेशन करता है वो आपका मन के अंदर बोलना चाहिए। मैं जो क्या करता हूँ अपने आप से पूछिए, तब अपन जवाब देगा। मैं ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडर उठाता हूँ, फिर भी पूछते ही रहो जवाब देते ही रहो। मैं अभी चेक करता हूँ ग्राइंडर का हैंडल सही है क्या नहीं, मैं अभी चेकिंग करता हूँ ग्राइंडर का गार्ड सही है क्या नहीं, ऐसे बोलते ही रहो। मैं यही करता हूँ, मैं गार्ड में टच करके चेकिंग करता हूँ, मैं चश्मा बराबर रखता हूँ, कुछ भी बोल के ध्यान पूरा उसको ऊपर रख के काम करेगा तो खतरनाक नहीं हो जाएगा, तब से काम में गलत भी नहीं हो जाएगा। ऐसे खतरनाक नहीं होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वाले एक दिन आज नहीं है, आज से हर दिन आप लोगों को मिलने दो। सबको शुभ दिन।